जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आरजी स्टेट एग्जाम चैनल पर। मैं अभिमन्यु तह दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, तो सब लोग जो जुड़े हैं वो अंत तक इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए 1468 पदों की वैकेंसी आ चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि आयोग जाग चुका है और भी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन ये पहली वैकेंसी है जो यूपी ट्रिपल एससी ने निकाली है पीईटी 2022 के अंतर्गत। यहां पर मैं आपके लिए सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं कि आपको फॉर्म फिल करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, तो इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहली बात की जाए कि ये आप जो फॉर्म है कब फिल कर पाएंगे, तो फॉर्म फिल करने की आपकी जो डेट है, आवेदन आप कर पाएंगे 23 मई से। तो आप एक चीज का अगर ध्यान दें, इसका जो विज्ञापन आया है वो आया है 16 मई को, और 23 मई से आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं। इसका मतलब है आयोग बहुत ही जल्दी इसका एग्जाम ले लेगा। तो आपकी अपनी जो प्रिपरेशन है बहुत ही ध्यान से करनी है, बड़े सटीक वे में करने हैं। इसकी जो फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी 12 जून 2023। और सबसे बड़ी बात, अगर बात की जाए फीस जमा करने की, लास्ट डेट है वो है 19 जून 2023। और अगर आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटि रह गई है, कोई भी गलती हो गई है, तो उसमें भी आप संशोधन कर पाएंगे, लेकिन कब, 19 जून तक। अब आगे बढ़ें, सबसे ज़रूरी बात जो था, जिन बातों को आपको ध्यान रखना है इस फॉर्म फिल करने के लिए, चूँकि ये यूपी ट्रिपल एससी ने पहली वैकेंसी निकाल दी है किसके थ्रू, PET 2022 के थ्रू। तो जिसने भी PET 2022 दिया था वही इस बच्चा इस फॉर्म को फिल कर पाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कोई भी बच्चा ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा, तो ये काफ़ी बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है। जिन्होंने PET 2022 नहीं दिया था वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। और दूसरी जानकारी जो है, PET 2022 का रिजल्ट आए हुए 4 से 5 महीने हो चुके हैं और ये पहली वैकेंसी है, तो इससे इतना भी क्लियर है कि PET 2023 में अभी समय लगेगा। तो और भी वैकेंसी आएगी, तो जो जिन्होंने भी PET 2022 में सम्मिलित हुए थे और उन्होंने आयोग के द्वारा जो एक वैध स्कोर है जारी किया गया है, वही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और आयोग ने क्लियर किया है केवल फॉर्म फिल करना जरूरी नहीं था, जिसके जीरो या नेगेटिव मार्क हैं उन बच्चों को इसमें शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो जिन्होंने नेगेटिव स्कोर किया है या जीरो स्कोर किया है और वो ये सोचें कि उनके पास पीईटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, नंबर है, तो वो फॉर्म फिल कर लेंगे, तो उन्हें ये फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आगे बढ़ा जाए, जो सबसे ज़रूरी जानकारी है, इन सभी चीज़ों का आप सब ध्यान रखेंगे। आगे बात करें कि आप आवेदन कर कैसे पाएंगे, तो जैसे ही आवेदन शुरू होगा, समय मत व्यर्थ करना कि हाँ अभी तो आया ही है। कैसे कैसे आपको आवेदन करना है, सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, जो वेबसाइट है वो है upssc.gov.in। यहां पर जाकर आप सबसे पहले आवेदन पत्र जो है वो भर पाएंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहली चीज जो है, आपको किस चीज का अनिवार्य होना जरूरी है, क्या आपकी जो एजुकेशन है वो 12th पास है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपने पीईटी 2022 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे यूज करके ही आप आवेदन कर पाएंगे। वो कैसे कर पाएंगे, तो सभी की चीजों के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। सबसे पहली बात, रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर पाएंगे, तो आपकी जो ऑथेंटिकेशन होगी, लॉगिन होगा, वो होगा पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू। तो जिन बच्चों के पास उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इसके थ्रू अपना जो है फॉर्म रजिस्टर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आपको अपना पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर अपने हाथ में रखना पड़ेगा। और दूसरी बात है, अपना व्यक्तिगत विवरण, पर्सनल डिटेल आपको भर के एक ओटीपी जनरेट होगा,
वो ओटीपी जनरेट करने के बाद आप क्या कर लेंगे, लॉग इन कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ा जाए जो अगला स्टेप होगा, वो अगला स्टेप क्या होगा तो ध्यान रखेंगे हम यहां पर। सबसे पहली बात, लॉगिन करने के उपरांत आपको अपनी व्यक्तिगत सूचना जैसे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपकी श्रेणी कौन सी है। अब यहां पर श्रेणी में साधारण वर्ग, एससी, एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस, तो जितने भी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं इस बात का ध्यान रखेंगी कि ईडब्ल्यूएस के फॉर्म जो भी बच्चे फिल करेंगे, ईडब्ल्यूएस के थ्रू जितने भी बच्चे फॉर्म फिल करेंगे उनका ये जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2023 से 12 जून 2023 वाला ही वैध होगा। तो इस बात की आप ध्यान रखेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी देना जरूरी था। कुछ बच्चे जो हैं ईडब्ल्यूएस का फॉर्म फिल कर देते हैं लेकिन उन्होंने अपना जो ईडब्ल्यूएस का फॉर्म है वो बनवाया नहीं होता, तो फिर आपको बाद में समस्या होगी। तो ध्यान रखेंगे जितने भी बच्चे आपके ईडब्ल्यूएस के थ्रू फॉर्म फिल करने जा रहे हो आप, तो आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो 1/4/2023 मीन्स 1 अप्रैल 2023 से लेके 12 जून 2023 के बीच में बना होगा। अपना सारा का सारा विवरण देने के बाद और जरूरत सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर आप वो यूज़ करेंगे कि आप बाद में चेंज ना करें, इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो वही मोबाइल नंबर देंगे जो आपका पर्सनल है। ऐसे ही ऐसा नंबर जो आज इशू करवाया है बाद में बंद करवा देंगे, ऐसे नंबर्स आप यूज़ मत करिएगा क्योंकि बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आपकी एजुकेशन योग्यता क्या, येस और नो का विकल्प है जिसे आपको चयन करना है। उसके बाद आपको आपकी बोर्ड उत्तीर्ण करने का वर्ष, उसका सर्टिफिकेट या रोल नंबर, नंबर, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो जब आप फॉर्म फिल करें तो अपना प्लस टू का जो सर्टिफिकेट है, टेंथ का जो सर्टिफिकेट है, क्योंकि टेंथ का जो सर्टिफिकेट है वो आपको आयु के लिए यूज़ करना पड़ता है, तो ये सारे के सारे आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं आपके हैंडी होने चाहिए, आपके हाथ में होने चाहिए। जब आप फॉर्म फिल करें तो आप उथल पुथल ना मचाएं। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, फिर आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा, उससे एंटर करने के बाद जब आप सबमिट बटन दबा देंगे, जब आप सबमिट बटन दबा देंगे तो आपको 11 अंकों का एक रजिस्ट्रेशन नंबर, 11 अंकों का एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। सबसे ज़रूरी बात, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है दोस्तों, इसका इन फ्यूचर भी हमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कई बार एग्ज़ाम लेट हो जाता है सिलेक्शन के बाद, जब हमसे रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रिंट आउट मांगा जाता है तो वो हमारे पास नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने स्पेशली आपको बताया है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसकी प्रति की जो है मुद्रित कर लेंगे, मींस प्रिंट आउट कर लेंगे। अब प्रिंट आउट पेपर भी कई बार आप खो देते हो तो इसके लिए क्या करोगे जब आप इसे डाउनलोड करें। सबसे ज़रूरी बात, कुछ लोग व्हाट्सएप में रख लेते हैं, मैसेजेस में रख लेते हैं, तो जो भी आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करें उसे अपनी ईमेल आईडी में सेंड कर लें, क्योंकि जो चीज़ें आपके फ़ोन में होती हैं, कई बार आपका फ़ोन खो जाता है या फ़ोन ख़राब हो जाता है, फिर आपको इसके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है और बहुत विद्यार्थी इसके लिए कंप्लेन भी करते हैं बाद में कि सर मेरे साथ तो ये हो गया। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी गलतियां आप ना करें तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वाला फॉर्म आया है उसका आप क्या कर लेंगे, ईमेल आईडी से प्रिंट आउट जो है ईमेल आईडी में रख लेंगे कि इन फ्यूचर जब भी आपको ज़रूरत पड़े उसे आप ईमेल आईडी में संभाल के रखें। ये याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में जब आप जाएंगे भविष्य में तो ये फॉर्म आपको नहीं मिलेगा, तो सिलेक्शन में ये समस्या बाधा ना बने। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है,
अब आपकी बात आती है फोटो और हस्ताक्षर। तो दोस्तों कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आज से 2 वर्ष पहले की फोटो अपलोड कर देंगे, और आपको भी पता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो हमेशा आप अपनी क्या करेंगे, अपडेटेड फोटो यूज करेंगे जो आपने अभी खिंचवाई हो। हमेशा आप क्या करेंगे, अपनी अपडेटेड फोटो यूज करेंगे जो आपने अभी खिंचवाई हो। इसके बाद ये अपडेटेड फोटो और आपका सिग्नेचर जो है साफ होना चाहिए। जो भी आप साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, वो आपके साफ होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद इनमें कोई भी परिवर्तन जो है वो किया नहीं जा सकेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ें यहां पर, तो फोटो अपलोड करने के बाद, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी अदर डिटेल्स हैं, वो कौन कौन सी डिटेल्स हैं, इन चीजों पे ध्यान रखिएगा कि आपने जो क्वालिफिकेशन है उसमें आप टिक करेंगे यस और नो। और सबसे बड़ी बात है, आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो सही होना चाहिए। जो आपका स्थायी एड्रेस है, जिसे आप बार बार नहीं बदलेंगे, उसका जो पता है वो भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और इस पर आपका एक डिक्लेरेशन होगी, सेल्फ डिक्लेरेशन, जिसे आप टिक करेंगे, उसके बाद ही आप जो है अगला प्रोसेस कर पाएंगे। तो जो आपका अगला प्रोसेस है, जब आप डिक्लेरेशन कर देते हैं, यदि यदि घोषणा पत्र से सहमत हो, तो जैसे ही आप टिक करेंगे तो नीचे दिए गए एक वेरिफिकेशन कोड को आप दर्ज करके सेव करेंगे और प्रोसीड आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, इसके बाद आपसे जो है पेमेंट के बारे में पूछा जाएगा, और जैसे ही आप पेमेंट देंगे और फिर आपका फाइनल सबमिशन पे आप क्लिक कर पाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ा जाए कि फीस का जो भुगतान है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन है, इसके बारे में जो है किन चीजों का आपको ध्यान रखना है उसके बारे में अब देखें। सबसे बड़ी बात, फीस कितनी रहेगी। तो बेटा, इस बार सरकार ने जो पहली बार किया है, सभी श्रेणियों के लिए उन्होंने एक ऐसा शुल्क रखा है 2500 रुपये, जो किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। तो एक बच्चों को हमेशा कंप्लेन रहती थी कि फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो एक बहुत ही अच्छा कदम है ये सरकार की ओर से कि सभी के लिए जो फीस है वो 2500 रुपये का निर्धारण रखा गया है, कि हाँ भैया 25 रुपए का ये जो है आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, जो पदों का विवरण है, 1468 पद जो है वो आपके लिए कैसे कैसे रखे गए हैं, 1468 पद जो है वो आपके लिए कैसे कैसे रखे गए हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर 1468 पदों की बात की जाए, तो ग्राम पंचायत अधिकारी में 849 पद जो हैं वो साधारण वर्ग के लिए है, जनरल के लिए है। अनुसूचित जाति की बात की जाए तो 356 जो है पद रखे गए हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, अनुसूचित जनजाति की जो वैकेंसी रहेगी वो केवल 7 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग, बहुत बड़ा झटका है ये कि ओबीसी वर्ग के लिए केवल 139 पद हैं। वैसे तो ये बोला जाता है कि जितने भी कुल पद होंगे ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% वैकेंसी का आरक्षण है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ फॉलो नहीं किया गया है। चलिए, ऐसा होगा माइट भी कि ओबीसी में केवल इतने ही पदों की वैकेंसी हो, तो आयोग ने उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी निकाल दी है। उसके बाद EWS की बात की जाए, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके लिए जो वैकेंसी रहेगी वो 117 पदों की रहेगी। तो कुल जो आपके पद हैं वो 1468 हैं, और ये जो जॉब है आपकी परमानेंट जॉब है, ये टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ें, तो ये बेटा आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जो आरक्षित हैं उनकी वैकेंसी दी गई है। अंधे व्यक्तियों के लिए 28 पद हैं। उसके बाद जो आपके गूंगे और बहरे
व्यक्ति होते हैं हैंडीकैप लोगों के लिए जो वैकेंसी है वो 2 है। इसके बाद आपका एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी बोली जाए तो वो 47 रखी गई है और महिलाओं के लिए स्पेशली उसने वैकेंसी बताई है 270। और उसके बाद जिन जो खेल में व्यक्ति हैं उनके लिए कुल वैकेंसी उन्होंने 2 निर्धारित की है। तो ये कुल वैकेंसियों के बारे में पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन आपको बता दी गई है। इसके बाद आगे बढ़ा जाए कि जो आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं इसमें आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी। तो सबसे पहली बात आपको मैंने बोला, जो भी बच्चे पीईटी 2022 पीईटी दोस्तों 2022 में जिन्होंने भाग लिया था वही इन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और यहां पर अगर स्कोर की बात की जाए किन बच्चों को ये फॉर्म फिल करना चाहिए, तो मैं ये बोलूंगा कि जिनका स्कोर 68 से ज्यादा है उन बच्चों को ही ये फॉर्म फिल करना चाहिए। बाकी जिनके पास भी पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। उन्होंने बता दिया है 0 और नेगेटिव मार्क वाले बच्चे जो हैं वो ये फॉर्म फिल ना करें। लेकिन बाकी भी जो भरेंगे तो इतनी बात का ध्यान रखें कि किन की सिलेक्शन होने वाली है, जिस हिसाब से वैकेंसी आई है उस हिसाब से बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो जो सेफ स्कोर है पीईटी का वो 68 से ऊपर वाले सारे बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा स्कोर है। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, उन्होंने जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी है, शैक्षिक योग्यता रखी है, वो रखी है उन्होंने इंटरमीडिएट, मीन्स आपने जो एजुकेशन में है प्लस 2 की होगी, तो ये उसके बाद या फिर उसी के समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी आपने परीक्षा कर रखी है। लाइक कुछ बच्चे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर मैंने डिप्लोमा कर रखा है तो क्या मैं ये फॉर्म फिल कर सकता हूँ 10वीं के बाद? तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने उसको इक्विवेलेंट रखा है प्लस 2 के तो आप कंफर्म ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, 2016 से काफ़ी पुराने टाइम से ये चला जा रहा है, पहले एक डोएक संस्था होती थी जो CCC सर्टिफिकेट देती थी, अब उसका जो नाम है NIIIT हो चुका है। तो CCC सर्टिफिकेट मीन्स 3 महीनों का कंप्यूटर्स का कोर्स का जो है सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप ये फॉर्म फिल करने जा रहे हैं इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ा जाए कि क्या क्या कंडीशन है, तो सबसे पहली बात है अब आयु की बात कर ली जाए कि एज कितनी होनी चाहिए। तो भैया एज जो है अगर मैं बोलूं तो कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं होगी, क्योंकि 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के जो व्यक्ति हैं वो ये फॉर्म फिल कर पाएंगे और बाकी जो भी आपको रिलैक्सेशन दी गई है जाति के अकॉर्डिंग वो सरकार ने आपको बता रखा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी। तो आयु की जो सीमा है वो 18 से 40 वर्ष है, तो अच्छी खासी एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए भी जो अभी तक सरकारी नौकरी नहीं ले पाए हैं, क्योंकि 40 वर्ष की आयु कोई कम आयु नहीं है। तो एक मौका है उनके लिए भी जो अभी भी एक सपना लेके चल रहे हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी लेनी है। तो अगर एज की बात की जाए तो 18 से 40 वर्ष के विद्यार्थी ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके बाद आगे बढ़े, पूरी की पूरी डिटेल, पूरी की पूरी जानकारी जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो अब इम्पॉर्टेंट था कि ये परीक्षा होगी कैसे, तो केवल एक ही आपका यहाँ पर रिटर्न टेस्ट होगा, केवल एक ही लिखित परीक्षा है, उसी के आधार पे आपका जो है चयन किया जाएगा। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं रहेगी, उसने पहले से बता दिया है, सिर्फ एक रिटर्न एग्जाम देना है और सरकारी नौकरी आपके पास होगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही मेहनत से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि वही सटीक चीज़ें पढ़ूं जो आपकी सिलेक्शन में कारगर हों। अब सिलेबस की बात कर ली जाए कि सर इसका जो सिलेबस है वो क्या है, तो सिलेबस के लिए दोस्तों उन्होंने क्या बोला है कि लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम परीक्षा तिथि के संबंध में
यथा समय आपको सूचित कर दिया जाएगा। मीन्स उन्होंने सिलेबस के बारे में आपको नहीं बताया है। तो ग्राम पंचायत अधिकारी का सिलेबस क्या रहेगा ये सरकार ने छुपा लिया है। इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी उन्होंने यहाँ सिलेबस के बारे में हमें नहीं बताया है। तो सिलेबस की बात की जाए, जैसा कि आप सब जानते हैं 2018 का वीडियो री एग्ज़ाम अब होने वाला है। कुछ हिंट हमें 26 जून पे मिल जाएगा कि 26-27 जून का जो पेपर हुआ है ये उससे मिलता जुलता ही होगा। तो 26 जून और 27 जून से भी कुछ हिंट मिलेगा और कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा सकते हैं कि आपका जो सिलेबस रहेगा वो वीडियो से ग्राम विकास अधिकारी से ही मिलता जुलता होगा। बाकी जैसे ही सिलेबस के बारे में कोई भी सूचना मिलेगी तो सबसे पहले हम आपके पास आकर इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ा जाए कि लिखित परीक्षा के संबंध में एक विशेष नोट जो है उन्होंने दिया है कि टोटल, जैसा कि आप सब जानते हैं, कुल पद जो हैं आपके पास 1468 पद हैं। कुल जो आपके पास पद हैं वो 1468 पद हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि ये जो परीक्षा है आपकी एक ही पाली में हो जाए हम कोशिश करेंगे, लेकिन अगर अगर परीक्षा एक से अधिक पालियों में मीस शिफ्ट में कई शिफ्ट्स में अगर ये परीक्षा होगी तो भैया हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू करेंगे, लागू करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात थी। तो यहाँ पर सरकार ने एक बात बोली है कि कुल जो है वो कितने व्यक्तियों को परीक्षा में बुलाएंगे। तो यहाँ पर एक बोला गया है कि ग्राम पंचायत अधिकारी की लिखित परीक्षा के लिए हम 15 गुना विद्यार्थी हैं जो वो इस फॉर्म के लिए बुलाए जाएंगे, इसके लिए रखे जाएंगे। तो 1468 को अगर आप 15 से गुना कर लें, जो कि ऐसा नहीं हुआ है, जो कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है मैक्सिमम टाइम, जितनी बार भी ऐसा काफ़ी टाइम से बोला गया है, कई वर्षों से ये चीज़ बोली गई है कि जितने भी उत्तर प्रदेश में फॉर्म फिल किए जाएंगे उसमें हम 15 गुना विद्यार्थी बुलाएंगे, लेकिन हर बार 30 गुना के आसपास विद्यार्थी बुलाए गए हैं। तो अगर 30 गुना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 45,000 के लगभग विद्यार्थी जो हैं आयोग रखना चाहेगा 1468 के लिए। तो बहुत ही सुनहरा मौका है आपका सिलेक्शन के लिए। और जैसे ही और कोई जानकारी हमें ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए मिलेगी आपके साथ उसी समय शेयर कर दी जाएगी। तो अगर आपको ये सारी की सारी जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो जल्दी जल्दी ये वीडियो को शेयर कर दे सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता चल सके। याद रखेंगे कि जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी रहेगी 23 मई और जो अंतिम डेट है वो रहेगी 12 जून। तो याद रखना कि आपको सबसे पहले फॉर्म फिल करना है सो दैट सर्वर का कोई भी इशू हो तो आपको ये ना लगे कि मेरा फॉर्म फिल नहीं हो पा। तो आज के सेशन को मैं यहीं पर विश्राम दूंगा और कामना करूंगा कि आपको जितनी भी जानकारी आपके साथ शेयर की गई है आपको वो अच्छी लगी है और वो जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। VPO 1468 पदों के लिए जैसे ही सिलेबस के बारे में कोई भी जानकारी हमें मिलेगी हम सबसे पहले आपके साथ वो शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।